नमस्कार दोस्तों, स्वामी देवदत्त जी के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, नींबू और फोटो से वशीकरण करने की आज मैं बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल विधि आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक तरीके का प्रचंड टोटका है। इस उपाय से आप अपने घर के सामने रहने वाले या आस पड़ोस में रहने वाले या आपसे मीलों दूर अन्य शहर में रहने वाले भी इंसान को वशीकृत कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं, अपने प्यार में उसे मोहित कर सकते हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वह मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एक फ़ोटो उस इंसान की, नींबू, और आपको चाहिए मौली, यानी कि जिसे लाल कलावा कहते हैं। ये लाल कलावा जो लेना वो आपको अपनी हाइट के अनुसार लेना है। आपकी हाइट चाहे 5 फुट है, 5.5 फुट है, या 6 फुट है, या 4 फुट है, आप उतना लंबा कलावा ले लें। और लाल मार्कर आपको चाहिए। याद रहे, फोटो आप सोशल मीडिया से उठाकर उसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। और अब आपको करना क्या, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाएं। आपको सबसे पहले इस नींबू पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करना है मार्कर की सहायता से। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, नाम लिखना है। इसके बाद आप उस फोटो को जलाएं और नींबू को बीच में से काट लें, आधा काटें, पूरा नहीं काटें, ताकि ये दोनों पार्ट जुड़े रहें। इसके बीच आपको उस फोटो को डाल देना है। डाल देने के बाद उस लाल कलावे से आप इसे बांध दें। बांध देने के बाद आप दाहिने हाथ में इसे पकड़ें और जो स्क्रीन पर शो हो रहा है इस मंत्र का 251 बार उच्चारण करें। उच्चारण पूरा होते ही आपको क्या करना है, करना कब है, आप शुक्रवार, शनिवार और बुधवार इस प्रयोग को कर सकते हैं। सुनिए, शुक्रवार, शनिवार और बुधवार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सुबह सूर्यास्त से लेकर शाम को सूर्यास्त के बीच आप इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे ही आपका वशीकरण टोटका का मंत्र उच्चारण पूरा हो जाता है तो आप इसे जाकर बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। बस ये छोटा सा उपाय उस इंसान को आपके वशीकृत कर देगा। आप इसका चमत्कार स्वयं देखें। धन्यवाद।